हेलो एवरीबॉडी, इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएपीएफ पेपर 2 का जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रोग्राम चल रहा है उसमें 21AC02 के एसए के आंसर्स का डिस्कशन होगा। और 21AC01 में जितने भी सेक्शंस हैं, जैसे ग्रामर है, एसए, रिपोर्ट, आर्गुमेंट, प्रेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैंने वो सबका डिस्कशन कर दिया, यूट्यूब में अपलोड कर दिया है, तो जिसको देखना है वो देख सकते हैं। अब 21AC02 से लेकर 21AC10 तक जितने भी टेस्ट पेपर्स होंगे उनका सिर्फ मैं एसे और ग्रामर का ही डिस्कशन करूँगी। बाकी रिपोर्ट, आर्गुमेंट, ये सब आपको चाहिए तो आप सीधे आंसर्स डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बॉटम की तरफ आपको 21AC02 से लेकर 21AC04 तक का आंसर पेपर मिल जाएगा। 21AC05 का आंसर पेपर मैं 5-6 दिन बाद मैं अपलोड कर दूँगी, तो आप उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने पेपर 2 की बुक रिलीज़ कर दी है, 1 महीना हो गया रिलीज़ किए हुए, तो जिसको भी इस बुक का सैम्पल पेजेस देखना है तो वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सैम्पल पेजेस के लिंक दिख जाएंगे। अगर किसी को ग्रामर चाहिए तो वो ग्रामर ले सकता है, किसी को कंप्लीट पेपर 2 की बुक चाहिए तो वो ले सकते हैं। अब हम 21AC02 के क्वेश्चंस में आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो था इस बार, ये 6 ऐसे क्वेश्चंस पूछा गया था, हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहला ऐसे क्वेश्चन है, इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड एफर्ट टुवर्ड्स ग्लोबल कोऑपरेशन। स्टूडेंट्स, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिलता है तुरंत लिखना मत शुरू कर दो। CAPF में ऐसे क्वेश्चन हमेशा लंबा आता है और आपको इतने सारे वर्ड्स में आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, जिस पे ज़्यादा आपको लिखना है, मतलब जो जिसके बारे में आप मेन बॉडी में लिखोगे। जैसे आपका इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आपका मेन बॉडी है जिसमें 3-4 पैराग्राफ्स हो सकते हैं, और फिर आपका कंक्लूजन है। तो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को छोड़ दो, जो मेन बॉडी है, मेन बॉडी में बेसिकली आपको किस पे ज़्यादा फोकस करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। सीधे ही लिखना शुरू कर दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, हो सकता है ऐसा कि आप डेविएट हो जाओ ऐसे क्वेश्चन से। तो मेन बॉडी में क्या लिखना है कैसे पहचानोगे? अब जैसे इसमें इंडियाज वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड एफर्ट टुवर्ड्स ग्लोबल कोऑपरेशन, तो इसमें जो वर्ड आ रहा है, इंडिया को छोड़ दो, तो हमारे पास वैक्सीन डिप्लोमेसी एक वर्ड आ रहा है और एक ग्लोबल कोऑपरेशन वर्ड आ रहा है। अब आप इन दोनों वर्ड्स में डिसाइड करो कि कौन सा जनरल टाइप का वर्ड है और कौन सा स्पेसिफिक है। तो अगर हम कंपैरिजन करें तो जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है स्टूडेंट्स, वो आपका जनरल है, और ग्लोबल कोऑपरेशन क्या है वो आपका स्पेसिफिक है। तो बेसिकली आपको ग्लोबल कोऑपरेशन के बारे में ज़्यादा बात करनी है। कहने का मतलब ये है कि वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू ग्लोबल कोऑपरेशन कैसे हो रहा है वो बताना है। तो आप इस स्पेसिफिक कंपोनेंट से कभी भी हम एसे का इंट्रो नहीं स्टार्ट करते हैं। एसे का जो इंट्रो है आप जनरल कंपोनेंट से स्टार्ट कर सकते हो, आप वैक्सीन डिप्लोमेसी से स्टार्ट कर सकते हो, या वैक्सीन डिप्लोमेसी से भी और कोई ब्रॉडर टर्म है आप उससे भी स्टार्ट कर सकते हो, मगर ग्लोबल कोऑपरेशन से मत करना। और फिर अपना जो मेन बॉडी है उसमें आपको इस तरह से अपने कंटेंट लिखने हैं ताकि वैक्सीन डिप्लोमेसी और ग्लोबल कोऑपरेशन दोनों के बीच में अच्छे से कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाए। मतलब ग्लोबल कोऑपरेशन जो आप इसके बारे में लिखोगे, तो ग्लोबल कोऑपरेशन कैसे फैसिलिटेट हो रहा है थ्रू वैक्सीन डिप्लोमेसी, आपको ये बताना है। ओके, सिर्फ ग्लोबल कोऑपरेशन के बारे में नहीं बताओगे, आपको इसको कनेक्ट करना पड़ेगा वैक्सीन डिप्लोमेसी से। तो मैंने आपको बताया कि इंट्रो आप वैक्सीन डिप्लोमेसी से शुरू कर सकते हो, इंट्रो आप इससे भी ब्रॉडर टर्म से शुरू कर सकते हो, मगर ग्लोबल कोऑपरेशन मत लेकर आना। और कंक्लूजन जो होता है स्टूडेंट, जैसे इंट्रोडक्शन में हम पार्शियली ऐसे क्वेश्चन को ओपन करते हैं, पार्शियली इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप पूरे ऐसे क्वेश्चन को अपने इंट्रो में नहीं लेकर आओगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 कॉम्पोनेंट है मेन, वैक्सीन डिप्लोमेसी है, ग्लोबल कोऑपरेशन है, तो आप दोनों को दोनों कंपोनेंट को आप इंट्रो में नहीं लेकर आओगे, मगर हाँ कंक्लूजन में आपको दोनों कंपोनेंट को लेकर आना होगा, वरना कंक्लूजन आपका डिसकनेक्टेड होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी। मैंने जो अपना इंट्रो शुरू किया है वो डिप्लोमेसी से किया है, वैक्सीन से भी नहीं, डिप्लोमेसी से। डिप्लोमेसी इज एन आर्ट ऑफ मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशंस बिटवीन नेशंस, ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल, बट ओवर द इयर्स डिप्लोमेसी हैज लॉस्ट इट्स मीनिंग एज इट इज मोर अबाउट डोमिनेशन देन कोऑपरेशन। तो डिप्लोमेसी मैं बता रही हूँ कि अभी जो है डिप्लोमेसी का मीनिंग एकदम चेंज हो गया है,
अब डिप्लोमेसी जो है वो डोमिनेशन ज़्यादा हो रही है, एक कंट्री दूसरे कंट्री को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है और कोऑपरेशन अब नहीं रहा इस डिप्लोमेसी में। और कैसे पता चल रहा है, मैं वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में आ गई। ऑब्वियसली मैं वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में बता ही नहीं सकती जब तक मैं वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में नहीं बताऊँ। मैंने ये वाला पैराग्राफ इंट्रो है उसको मैंने एंड किया वैक्सीन नेशनलिज्म से, और वैक्सीन नेशनलिज्म से मैं शुरू भी कर रही हूँ। इससे क्या हुआ, हमारे दो पैराग्राफ के बीच में कनेक्टिविटी आ गई। ओके, तो वैक्सीन नेशनलिज्म मैंने यहाँ पर लिखा, ये वैक्सीन नेशनलिज्म से पता चलता है कि आजकल डोमिनेशन ज़्यादा है, कोऑपरेशन नहीं है। अब मैं वैक्सीन नेशनलिज्म के बारे में बता रही हूँ, यूएसए यूके का बता दिया मैंने कि वो लोग किस तरह से वैक्सीन नेशनलिज्म एक्सरसाइज कर रहे हैं। फाइन, यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में बता दिया। अब इस वैक्सीन नेशनलिज्म को काउंटर करने के लिए इंडिया का क्या है, वैक्सीन डिप्लोमेसी। देखिए, सिंस वैक्सीन नेशनलिज्म पे हमें ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए हम वैक्सीन नेशनलिज्म को एकदम टच एंड गो वाला काम किए, मतलब पासिंग रेफरेंस दिए हैं, बहुत इलैबोरेटली हमने डील भी नहीं किया वैक्सीन नेशनलिज्म से। ओके, हमें बेसिकली वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में बात करनी, मगर उसको भी हमें ग्लोबल कोऑपरेशन से कनेक्ट करना है। अब वैक्सीन डिप्लोमेसी में क्या हो रहा है, इंडिया जो वैक्सीन है वो डिवेलपिंग एंड अंडर डिवेलप कंट्रीज़ को वो दे रही है, ठीक है। तो इस वैक्सीन डिप्लोमेसी से क्या हुआ, ग्लोबल कोऑपरेशन को वो वैक्सीन डिप्लोमेसी से ग्लोबल कोऑपरेशन को एडवोकेट कर रही है, सपोर्ट कर रही है। तो आप देखिए, सेकंड पैराग्राफ में मैंने दोनों कंपोनेंट में लेकर आ गई, वैक्सीन डिप्लोमेसी एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। तो फर्स्ट पैराग्राफ में मैंने ऐसे क्वेश्चन को पार्शियली ओपन किया था, सिर्फ डिप्लोमेसी लेकर, और वैक्सीन डिप्लोमेसी भी नहीं लेकर आई, सिर्फ डिप्लोमेसी लेकर और वैक्सीन नेशनलिज्म लेकर आई। यानी मैंने ऐसे क्वेश्चन को का जो दोनों कंपोनेंट है उसको ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए इंट्रो में मैं लेकर ही नहीं आई। और इन दोनों कंपोनेंट्स को मैं कहाँ पर लेकर आई, सेकंड पैराग्राफ में। और मैंने पूरा का पूरा इस तरह से सेकेंड पैराग्राफ में ऐसे क्वेश्चन को एक्सपोज कर दिया। अब मैंने लिखा यहाँ पर ग्लोबल कोऑपरेशन, एडवोकेट कर रहे हैं ग्लोबल कोऑपरेशन। अब कैसे ग्लोबल कोऑपरेशन हो रहा है, मैंने वर्ड कोऑपरेटिव लेकर आ गया ताकि मैं ऐसे क्वेश्चन को अच्छे से जस्टिफाई कर सकूँ। इंडिया कोऑपरेटिव विद नेपाल बाय सेंडिंग वैक्सीन डिस्पाइट इट्स स्ट्रेन टाइज ड्यू टू नेपाल्स फॉल्स क्लेम्स ऑन इंडियन टेरिटरी। इंडिया टेरिटरीज लिखा है, इंडियन टेरिटरीज होगा। तो यहाँ पर कोऑपरेशन और वैक्सीन, मैंने दोनों को कनेक्ट कर दिया। इस तरह से क्या हुआ, ऐसे क्वेश्चन जस्टिफाई हो गया। फिर इंडिया पाकिस्तान से भी कोऑपरेट किया, यहाँ पर भी ग्लोबल कोऑपरेशन दिख रहा है। श्रीलंका से भी कोऑपरेट किया, बांग्लादेश से भी कोऑपरेट किया, जो साउथ एशियन रीजन है उस इतना कोऑपरेशन की वजह से एक तरह से हम देखा जाए इंडिया का जो ट्रस्ट है दूसरे कंट्री पे वो बिल्डअप हो रहा है, उसकी उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो भी बिल्डअप हो रही है। ओके, तो थर्ड पैराग्राफ में मैंने पूरा का पूरा ग्लोबल कोऑपरेशन और वैक्सीन को अच्छे से कनेक्ट कर दिया। फाइन, फिफ्थ पैराग्राफ में तो एंड ही हो रहा है। फोर्थ पैराग्राफ में वैक्सीन डिप्लोमेसी की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है या इंडिया को क्या कॉशन एक्सरसाइज करना चाहिए वो बता दिया कि हम अभी कोविड वैक्सीन का सेकेंड वेव चल रहा है, तो हम इस तरह से वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूट अगर करेंगे तो हमारे पास खुद ही वैक्सीन नहीं रहेगा, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ फार्मा कंपनीज इज लिमिटेड एंड देयरफॉर वी नीड वैक्सीन फॉर आवरसेल्फ फर्स्ट बिकॉज वी कांट शेयर विद अदर अ रिसोर्स दैट वी लैक आवरसेल्फ। हम उन रिसोर्स को शेयर नहीं कर सकते जो कि हमारे पास ही लाके। अब कंक्लूजन है, मैंने आपको पहले ही कहा है कंक्लूजन में आपको दोनों कंपोनेंट को कनेक्ट करके लिखना है। आप कनेक्ट तो कैसे करोगे, ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन वैक्सीन डिप्लोमेसी, ये दोनों आना चाहिए, दोनों वर्ड ही आना चाहिए। देखते हैं, वर्ल्ड नीड्स अ नेशनल लीडर लाइक इंडिया हु इज एन एम्बेसडर ऑफ ग्लोबल कोऑपरेशन। ग्लोबल कोऑपरेशन आया, बट इंडिया इन अर ओन सॉइल इज फेसिंग अ मेजर चैलेंज ऑफ इनोक्यूलेटिंग इट्स 1.3 मिलियन पॉपुलेशन एट द टाइम व्हेन कोविड केसेस आर सर्जिंग, ठीक है। तो इनोक्यूलेटिंग आया तो हम वैक्सीन के बारे में बात कर रहे हैं। डिस्पाइट दिस क्राइसिस इंडिया मस्ट स्टॉप इट्स वैक्सीन सप्लाई टू कोवैक्स कंट्रीज। वैक्सीन सप्लाई भी आ गया, वैक्सीन डिप्लोमेसी एक तरीके से। बाय थॉटफुल फोरसाइट वी कैन बिकम एन इंस्पिरेशन टू द वर्ल्ड बाय नॉट कॉम्प्रोमाइज विद आवर वैक्सीन डिप्लोमेसी। सो वेरी सिंपल। पहली चीज़ तो ना, जब आप लोग कंटेंट सोचते हो कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे समझ में आ गया, अब इस पर कंटेंट क्या लिखना चाहिए, तो मैंने देखा है कि स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं, सेवरल पीसेस ऑफ कंटेंट जो सेलेक्ट करना होता वो नहीं कर पाते हैं। और क्या करते हैं कि सेलेक्ट करते हैं कंटेंट को, पता चलता है कि वो टोटली डेविएटेड है मेन ऐसे क्वेश्चन से।
तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट, और कंटेंट इस तरह से सेलेक्ट करोगे कि आपका जो पूरा का पूरा मेन बॉडी है वो ऐसे का ओवरक्राउडेड नहीं लगे, मेसी नहीं लगे। अब जैसे अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में मैंने वैक्सीन डिप्लोमेसी के बारे में तो बताया है, मगर वैक्सीन डिप्लोमेसी में इंडिया क्या कर रहा है वो नहीं बताया, सिर्फ इंट्रोड्यूस किया वैक्सीन डिप्लोमेसी और ग्लोबल कोऑपरेशन। अब थर्ड पैराग्राफ में मैंने ज़्यादा एग्जांपल नहीं लिया, मैंने नेपाल के बारे में पहले बता दिया, फिर पाकिस्तान के बारे में, फिर श्रीलंका के बारे में, और फिर बांग्लादेश के, फिर ओवरऑल इंडिया पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का वो मैंने बता दिया लास्ट 2 महीने में। तो ये ओवरक्राउडेड नहीं लग रहा है, बहुत वेल मैनेज्ड कंटेंट लग रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले नेपाल के बारे में लिखेंगे सेकेंड पैराग्राफ में, और फिर ना सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में भी नेपाल के बारे में लिख रहे हैं, तो बहुत डिसऑर्गेनाइज और स्कैटर्ड पीसेज ऑफ कंटेंट लगते हैं, तो ऐसा काम नहीं करोगे। उसके बाद ये वैक्सीन डिप्लोमेसी में क्या इंडिया को सतर्क कैसे रहना चाहिए वो बता दिया, और फिर मैंने इसको कंक्लूड कर दिया। तो आप देख रहे हो कि सिलेक्शन भी है अच्छे से, ओवरक्राउडेड नहीं है कंटेंट, और डिसऑर्गेनाइज नहीं है, प्रॉपर तरीके से पैराग्राफ चेंज हुआ है। जब एक आइडिया से दूसरे आइडिया में आप शिफ्ट करते हो तो फिर आपको पैरा भी चेंज करना होगा। एडल्ट्रेटेड फूड अनदर शॉट इन द आर्म ऑफ एंश्योरिंग न्यूट्रिशियस फूड। अब ये फिर से लंबा क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखो कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कॉम्पोनेंट है मेजर, एक एडल्ट्रेटेड फूड है और दूसरा है अनदर शॉट इन द आर्म ऑफ एंश्योरिंग न्यूट्रिशियस फूड। तो एक्चुअली 1, 2 और 3, ये 3 कॉम्पोनेंट है आपके ऐसे क्वेश्चन में। तो आपको इसमें आप सोचना है कि सबसे ज़्यादा आपको किस पे बात करनी है, एडल्ट्रेटेड फूड के बारे में बात करनी है, अनदर शॉट। अनदर शॉट का मतलब होता है कि आप समझ लीजिए एक तरीके का ये फेलियर है, हम यहाँ पर बोल रहे हैं सबको न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करेंगे, तो न्यूट्रिशियस फूड तो दूर की बात है, अभी तो एडल्ट्रेटेड फूड मिल रहा है। तो आपको किसके बारे में सबसे ज़्यादा बात करनी है थोड़ा सोचना। अब देखिए ये तीनों में कौन सा आपको लग रहा है कि जनरल कॉम्पोनेंट है, तीनों में ये फाइंड आउट करो, ये जनरल कॉम्पोनेंट है एडल्ट्रेटेड फूड। स्पेसिफिक न्यूट्रिशियस फूड भी, ये भी आपका जनरल कॉम्पोनेंट है, कंपेयर करो तो। अनदर शॉट है ये जो स्पेसिफिक है, तो आपको बेसिकली अनदर शॉट के बारे में बात करना है कि फूड एडल्ट्रेटेड होता है तो न्यूट्रिशन तो प्रोवाइड करेगा नहीं, ऊपर से और हार्म करता है। तो बेसिकली आपको सेकेंड पैराग्राफ से अनदर शॉट के बारे में बात करना है। तो आप इंट्रो में आप एडल्ट्रेटेड फूड के बारे में बात कर सकते हो, आप न्यूट्रिशियस फूड के बारे में बात कर सकते हो, कहने का मतलब आप जनरल कॉम्पोनेंट से शुरू कर सकते हो अपना इंट्रो। तो यहाँ पर मैंने जो इंट्रो अपना शुरू किया है, विद द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन डिमांड फॉर फूड इज एवर इंक्रीजिंग, तो टेक्नोलॉजिकल वी हैव मेड टेक्नोलॉजिकल एफर्ट टू कीप अप विद दैट डिमांड विच रिजल्टेड इन एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव। तो डिमांड बढ़ रहा है तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव भी बढ़ रहा है, मगर हम क्वालिटी ऑफ फूड मेंटेन नहीं कर पाए, जिसकी वजह से ये सारे डेफिशिएंसी है, कैलोरी, प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट, और ये डेफिशिएंसी फर्दर कंपाउंडेड, मतलब ये डेफिशिएंसी ये जो एग्रोवेट कर रही है प्रॉब्लम, डेफिशिएंसी वाली प्रॉब्लम कैसे एग्रोवेट कर रही है, एडल्ट्रेटेड फूड की वजह से। तो मैंने ये जो इंट्रो है इसको मैंने एंड किया एडल्ट्रेटेड फूड से। फाइन, अब देखो किस तरह से कंटेंट को सिलेक्ट किया जा रहा है और किस तरह से प्रेजेंट किया जा रहा है। अब मैंने एडल्ट्रेटेड फूड से एंड किया, तो अब मेरा सेकेंड पैराग्राफ जो है वो एडल्ट्रेंट से है, तो कनेक्टिविटी बैठी। एडल्ट्रेंट्स क्या होता है वो मैंने लिख दिया यहाँ पर, और उसके बाद मैंने ये किस तरह से अनदर शॉट है, यानी वो फेलियर कैसे है, मैंने इन्फेंट के बारे में बताया कि इन्फेंट्स भी एडल्ट्रेटेड फूड ले रहे हैं, बेबी फूड भी एडल्ट्रेटेड होता है, और फिर मैंने चाइना का एक एग्जाम्पल दे दिया। यानी इस पैराग्राफ में मैंने सिर्फ इन्फेंट के बारे में बताया, ओवर क्राउडेड मत करो इन्फेंट के बारे में भी, और भी पता नहीं क्या क्या बता रहे हो मत करो, एक पैराग्राफ में सिर्फ एक आइडिया लो, उसी एक आइडिया को इलैबोरेट करो। उसके बाद मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ में ओल्ड पीपल एंड प्रेग्नेंट वेमेन के बारे में बात कर ली, और इसमें मैंने हनी का एग्जांपल दिया कि पतंजलि का जो प्रोडक्ट है हनी वो भी एडल्ट्रेटेड। अब ये मैंने बात कर लिया ये, तो मैंने सेकेंड एंड थर्ड पैराग्राफ में कुछ एडल्ट्रेंट्स के बारे में बताया, जैसे मिल्क, और मैंने हनी के बारे में बता दिया। जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ में मैं उसमें लॉस के बारे में बता रही हूँ कि एडल्ट्रेंट फूड को कंट्रोल करने के लिए, चेक करने के लिए क्या क्या लॉज है, वो सारा मैंने यहाँ बता दिया।
ओके और लास्ट पैराग्राफ में मैंने कंक्लूड किया, तो मैंने आप लोगों को बताया कंक्लूजन में आपके सारे कंपोनेंट ऐसे के आने चाहिए, एडल्टरेटेड फूड, न्यूट्रिशियस फूड और अनदर शॉट. ओके उसको आप इनडायरेक्टली भी लिख सकते हो. वी मस्ट बी माइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉन एडल्टरेटेड फूड इज द लीस्ट वी कैन प्रोवाइड फॉर द नीडी एंड पुअर पीपल इन दिस डायरेक्शन. वी नीड स्ट्रिक्टर लॉज एंड देयर प्रॉपर एग्जीक्यूशन. देन वी नीड मोर टेस्टिंग लैब्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट लैब्स. These testing has to be based on high standards of reference of food nutrition. Then we need to educate street vendors, food factories and local producers like millmen about hygiene and food practices. Okay, तो मैंने adulterants के बारे में बता दिया, तो इस तरह से मैंने इसको conclude कर दिया. अब next question है, extreme nationalism is a breeding ground for soft fascism. हल्का सा ये difficult question था. तो इसमें सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये बताया है जो कंट्री की तरफ हमारा जो अटैचमेंट है वहाँ से मैंने. अब देखिए, एक्सट्रीम नेशनलिज्म इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सॉफ्ट फैसिज्म. तो बेसिकली आपको यहाँ पर दो कंपोनेंट दिख रहे हैं, एक्सट्रीम नेशनलिज्म और सॉफ्ट फैसिज्म. तो आपको इन दोनों के बारे में बताना. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने कंटेंट में आपको इसको दोनों को कनेक्ट करना पड़ेगा कि एक्सट्रीम नेशनलिज्म जो है वो इट गिव्स बर्थ टू सॉफ्ट फैसिज्म. तो यहाँ पर कनेक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है एंटायर आपके कंटेंट पे. कनेक्शन नहीं बिल्डअप कर पाओगे और तो फिर आप ऐसे क्वेश्चन जस्टिफाई भी नहीं कर पाओगे. अब जैसे कि इसमें मैंने शुरुआत जो किया है वो मैंने लिखा है, लव फॉर कंट्रीज इज इम्बाइड इनहेरिटेबली इन ऑल ऑफ अस, बट समटाइम्स दिस लव अटेन्स द फॉर्म ऑफ अथॉरिटेरियन रूल लीडिंग टू सॉफ्ट फैसिज्म. जब अथॉरिटेरियन रूल होता है तो वो सॉफ्ट फैसिज्म होता है. और ये अथॉरिटेरियन रूल कैसे आता है, जो एक्सट्रीम लव होता है या मिसगाइडेड लव कह सकते हैं उसकी वजह से. दिस वॉज एविडेंट बाय हॉरिफिक डन बाय हिटलर मुसोलिनी हु वर कॉल्ड फैसिस्ट, हु कॉल्ड फैसिस्ट अ रिलीजन. तो ये सब क्या थे, ये लोग फैसिस्ट को रिलीजन समझते थे और ये एक्चुअली में एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म था. तो फैसिज्म को एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म मैंने इस तरह से जस्टिफाई किया है, इस तरह से कनेक्ट किया है. तो जब तक आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे फासिज्म और नेशनलिज्म को, तब तक आप ऐसे क्वेश्चन को जस्टिफाई नहीं कर पाओगे. अब यहाँ पर हिटलर और मुसोलिनी के बारे में बताया, तो अब जो प्रेजेंट टाइम है, मॉडर्न टाइम, अब मैं इसके बारे में बता रही हूँ. मगर मुझे हर हालत में एक्सट्रीम नेशनलिज्म और फासिज्म को कनेक्ट करना है. यहाँ पर मैंने लिखा, एक्सट्रीम नेशनलिज्म हैज़ टेकन ओवर पेट्रियोटिज्म. अब एक्सट्रीम नेशनलिज्म में क्या होता है वो मैंने बताया है कि जो पेट्रियॉट होते हैं वो अपने कंट्री को प्यार करते हैं, उनको पता भी है हमारे कंट्री में क्या क्या कमियाँ हैं, शॉर्ट कमीज. मगर जो नेशनलिस्ट होते हैं, दैट इज़ ब्लाइंड लव फॉर वंस ओन कंट्री, उसमें वो लोग क्या कमियाँ हैं वो नहीं देखते हैं और उनको लगता है कि जो आइडियोलॉजी हमारी है वही आइडियोलॉजी सबकी होनी चाहिए. अगर नहीं होती तो दे बिकम एनिमी ऑफ सम और अदर कम्युनिटी दैट डू नॉट फॉलो देयर ओन आइडियोलॉजी. ओके, सच नेशनलिज्म लीड्स टू फैसिज्म. ऐसा नेशनलिज्म फैसिज्म को बर्थ देता है. और जो USSR जो डिसइंटीग्रेट हुआ था वो नेशनलिस्टिक आइडियोलॉजी की वजह से ही हुआ था. और फिर मैंने लिखा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बेसिकली इस पैराग्राफ में, सेकेंड पैराग्राफ में मैंने वापस से एक्सट्रीम नेशनलिज्म और फैसिज्म को कनेक्ट किया है. एक्सट्रीम नेशनलिज्म में क्या होता है ये बताया और उसकी वजह से फैसिज्म इमर्ज होता है. ओके, और मैंने फिर एक एग्जांपल भी दिया. इंडिया में जो फैसिज्म नेशनलिज्म से इमर्ज हो रहा है उसको यूज़ किया जाता है टू टियर द प्लूरलिस्टिक फैब्रिक ऑफ आर कंट्री. तो मुझे बार बार फैसिज्म और नेशनलिज्म लेकर आना होगा. और जो भी हमारा इंडिया में प्लूरलिज्म है, आपको पता है विद इन कास्ट प्लूरलिज्म है, विद इन स्टेट प्लूरलिज्म है, हर जगह प्लूरलिज्म है, डाइवर्सिटीज है. तो अब नेशनलिस्ट क्या करते हैं, उन लोगों में फैसिस्ट टेंडेंसी होता है, जो भी प्लूरलिज्म है ना उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं. अगर एलिमिनेट करेंगे तो ऐसे ही होगा, दिल्ली राइट होगा, एनार्की होंगे स्टेट में. अब जो पाकिस्तान भी फॉर्म हुआ था, बांग्लादेश से जो अलग हो गया था, वो भी नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी की वजह से हुआ था.
क्योंकि पाकिस्तान जो है वो चाहता था कि उसका जो लैंग्वेज है वो इम्पोज किया जाए बांग्लादेश में, जो कि बंगाली बोलते थे. ओके, रोहिंग्या मुस्लिम्स ऑफ म्यांमार, ये भी विक्टिम ऑफ सच एक्सट्रीम नेशनलिज्म. तो इसे मैंने सिर्फ दो एग्जाम्पल दिया, पाकिस्तान का और म्यांमार का, और मैंने सिर्फ एक ही पीस ऑफ कंटेंट लिया है. नेशनलिज्म को अपनी कमियां दिखती है, नहीं दिखती है, और जो पेट्रियाटिज्म होते हैं उनको कमियां दिखती है. फिर मैंने एक स्पेन का एग्जाम्पल दे दिया है कि स्पेन में भी नेशनलिस्ट मूवमेंट है, हुआ था. यूएस में मैंने बता दिया, एक्सट्रीम नेशनलिज्म वॉज फॉर अ लॉन्ग टाइम अ टूल फॉर रेसिज्म अराउंड द ग्लोब. दीज एक्सट्रीम नेशनलिज्म आर नॉ इस्लामोफोबिक, विच इज़ अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सॉफ्ट फैसिज्म. अब मैंने इसको कंक्लूड किया है, कंक्लूजन में आपको ध्यान रखना है, फैसिज्म नेशनलिज्म ये दोनों टर्म आना चाहिए. फैसिज्म टुडे यूजेज नेशनलिज्म एज अ टूल टू जस्टिफाई इट्स एक्शन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. तो नेशनलिस्ट क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं, और वो लोग क्या करते हैं, नेशनलिज्म को टूल बनाकर डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करते हैं. तो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग डिक्टेटर्स होते हैं. तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि दे आर क्रिएटिंग अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर सॉफ्ट फैसिज्म थ्रू द एक्सट्रीम नेशनलिस्टिक आइडिया. तो हर चीज़ अगर फैसिज्म एंड नेशनलिज्म इसको कनेक्ट नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा. नेक्स्ट है, इंडिया रूरल इकोनॉमी कैन रेजिस्ट टाइट बट कैन स्टीयर द बोट. बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि इकोनॉमी को विलेज लीड नहीं कर सकता है, मगर हाँ उसको इकोनॉमी का जो डाउनफॉल हो रहा है, पतन हो रहा है, उसको रेजिस्ट जरूर से कर सकता है. तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन आपको जो मेन बॉडी में यही बताना है कि कैसे लीड करेगा, कैसे रेजिस्ट कर रहा है, ये बताना, और फिर अपना कंक्लूजन ड्रॉ करना है. तो आप ब्रॉडर टर्म से शुरू कर सकते हो, मैंने विलेजेस से शुरू किया. विलेजेस आर द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड ड्यूरिंग सेवरल क्राइसिस इट हैज इमर्ज्ड एज अ सेवियर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. वेदर इट इज 2008 रिसेशन, COVID-19 outbreak, villages of India have successfully resisted these attacks, but it has mostly remained in shadows with respect to growing urban economy. मतलब village economy जो है COVID के time भी अच्छे से resist कर पाया था जो COVID का attack था, मगर फिर भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि उसका जो contribution है ना वो किसी को दिखता नहीं है. अब क्यों नहीं दिखता है, दिस इज़ बिकॉज, सेकेंड पैराग्राफ, तो वन कनेक्टिविटी, दिस इज़ बिकॉज एग्रीकल्चर जो लाइफ लाइन है विलेज इकोनॉमी का, वो सिर्फ 18% उसका कॉन्ट्रीब्यूशन है. मगर 18% कॉन्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद अगर आप देखेंगे पेंडेमिक के दौरान जब ग्रोथ रेट -23 हो गया था, तो उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रू बाई 3%. तो यहाँ पर मैंने ये बताया है कि क्यों नहीं स्टीयर कर सकते हैं, वो क्यों नहीं लीड कर सकते हैं, क्योंकि उसका जीडीपी, उसका जो कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स जीडीपी वो बहुत कम है. फिर एक और रीज़न मैंने बताया, इट कैन नॉट स्टीयर द बोट विद स्टैग्नेंट इनकम बिकॉज देयर इज डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोडक्शन एंड इनकम. डिस्टिंक्शन क्यों है, क्योंकि अगर हाई प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली फार्मा का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का जो प्राइसेस है वो अपने आप कम हो जाएगा, इससे फार्मर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता. एक और रीज़न दिया है कि क्यों नहीं स्टीयर कर सकते बोट, क्योंकि जो 40% इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो एग्रीकल्चर की, बाकी जो 60% है वो MSME की है जो विलेज में रन कर रही है. मगर ये जो MSME है ये रॉ मटेरियल के लिए अर्बन रीजन पे काफ़ी डिपेंडेंट रहता है. तो यदि अर्बन रीजन शट डाउन हो जाता है तो रूरल इकोनॉमी कैसे स्टीयर करेगी. तो ऐसा जो डिपेंडेंट है किसी और पे वो लोग स्टीयर नहीं कर सकते, वो लीडरशिप वाला रोल प्ले ही नहीं कर सकते, ये यहाँ पर लिखा है. तो अब देखिए मैंने फर्स्ट पैराग्राफ तो छोड़ दो, सेकेंड पैराग्राफ में मैंने सिर्फ थोड़ा सा पासिंग रेफरेंस दिया है. सेकेंड पैराग्राफ में मैंने बताया क्यों नहीं ये बोर्ड को स्टीयर कर सकती है. तो पहला रीज़न मैंने जीडीपी का बताया, सेकेंड रीज़न मैंने प्रोडक्शन और इनकम में क्या डिफरेंस है ये मैंने बताया, और जिसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हाई होता है तो प्राइस जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो लो होती है, तो फार्मर को कोई फ़ायदा नहीं होता है. फिर तो आप देख रहे हो वन पीस ऑफ कंटेंट डिवोटेड टू वन पैराग्राफ. मैंने नेक्स्ट बताया कि MSME डायरेक्टली डिपेंडेंट होते हैं विलेज में जो है वो अर्बन पे, तो ऐसे भी वो लीड नहीं कर सकता है विलेज. अब उसके बाद मैं सेकेंड लास्ट पैराग्राफ बता रही हूँ,
टू मेक इकोनॉमी द स्टीयरर ऑफ बोट, अगर हम चाहते हैं कि इकोनॉमी लीड करे, वी नीड अ मॉडल विच मेजर्स द प्रोग्रेस ऑफ अ विलेज बाय द मीन्स ऑफ पर कैपिटा इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड विलेज इकोनॉमिक ग्रोथ. गवर्नमेंट मस्ट प्रायोरिटाइज एग्रीकल्चर एंड MSME इन इट्स डेवलपमेंटल प्लान. हाँ, उसके बाद मैं कंक्लूड कर रही हूँ. कंक्लूड में आपको जो भी कंपोनेंट है वो पूरा का पूरा आना चाहिए, तभी लगेगा कि कंक्लूजन कनेक्टेड है. टिल नाउ वी हैव सीन विलेजेस एज एन एस्केप रूट टू कॉम्बैट रिसेशन एंड पेंडिंग, बट अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, लोकल गवर्नमेंट एंड एम्पावर्ड विलेजेस कैन सेट द पाथ राइट एंड टू डिवेलप विलेज इकोनॉमी एज अ स्टीयरर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. तो पूरा का पूरा इस क्वेश्चन से कनेक्टेड है. स्पोर्ट्स एरिनाज इन इंडिया नीड अटेंशन, बहुत ईजी सा है. तो अगर आप देखेंगे तो इसमें बेसिकली फोकस जो करना वो नीड अटेंशन पे है. स्पोर्ट्स एरिना जो है वो तो एक बहुत जनरल शब्द है, जनरल कंपोनेंट है, और जो नीड अटेंशन है वो आपका स्पेसिफिक है. तो ऑब्वियसली मेन बॉडी में आपको बताना है कि स्पोर्ट्स का सिचुएशन अभी क्या है, तभी तो आप बता पाओगे कि इसमें वाकई में हमें नीड की ज़रूरत है. ओके, तो फर्स्ट पैराग्राफ जो है मैंने इंट्रोडक्शन में स्पोर्ट्स के बारे में बताया है, और मैंने बताया कि स्पोर्ट्स जो है इंडियन हिस्ट्री में हमेशा से, अगर हम देखेंगे तो स्पोर्ट्स को बहुत अच्छा माना गया है, और इंडियन हिस्ट्री में भी जो जितने भी हिस्टोरिकल फिगर्स थे वो लोग स्पोर्ट्स खेलते थे, आर्चरी, महाभारत, पोलो ड्यूरिंग मुगल टाइम. ओके, तो स्पोर्ट्स रॉयल्टी, कॉम्पिटिटिवनेस एंड स्ट्रेंथ को इंडिकेट करता है. इस तरह से मैंने एक अच्छा ब्यूटीफुल सा इंट्रोडक्शन दे दिया. उसके बाद जो सेकेंड पैराग्राफ में ध्यान रखना, आपको पूरा का पूरा फोकस करना है नीट पे. क्यों नीट की ज़रूरत है? ये जो ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स है ये अब विलुप्त हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, उसको इस तरह से पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है. तो इसको ओलंपिक्स में जाना चाहिए, इंटरनेशनलाइज करना चाहिए इस तरह के स्पोर्ट्स को. ठीक है, इससे हमारा ग्लोबल रेपुटेशन बढ़ेगा, हम डाइवर्सिटी लेकर आएंगे. और अगर हम देखें तो ओलंपिक्स में हमने सिर्फ 28 मेडल्स जीते हैं, तो इसीलिए भी हमें अटेंशन की ज़रूरत है. फिर एक और रीज़न मैंने दिया कि स्पोर्ट्स को हमेशा से जॉबलेस प्रोफेशन माना जाता है. इंडियंस मोस्टली डू नॉट रियलाइज द पोटेंशियल अर्निंग्स ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन. द मेन रीज़न फॉर दिस इज बिकॉज स्पोर्ट्स इज नॉट कंसिडर्ड सब्जेक्ट इवन एट स्कूल. उसके बाद आप अगर देखोगे तो एक पैराग्राफ में एक ही पीस ऑफ कंटेंट है, ऐसे मेसी लुक नहीं है. तो मैंने यहाँ पर क्या करना चाहिए, एक तरीके से वे फॉरवर्ड है जो इस पैराग्राफ में दे दिया. ऑब्वियसली एक तरीके का प्रॉब्लम है, तो जब प्रॉब्लम है तो आप सोल्यूशन दोगे ही. तो यहाँ पर सोल्यूशन दे दिया, और कंक्लूजन में आपको दोनों कॉम्पोनेंट को ऐड करना है. स्पोर्ट्स इज नॉट ओनली अबाउट winning medals, it is a way of living healthy life and continuing the traditions of our culture. It is about time that we realize the importance of sports in our life and rebrand the image of our nation from geeky IT hub to a land of fit, intelligent and ages, athletic people. Last है religious solidarity a myth. Solidarity का मतलब होता है unity. तो एकदम साफ है, बहुत छोटा सा है ऐसे question कि जो religious unity है ना वो myth है, भ्रम है, असली में नहीं है. रिलीजियस सॉलिडारिटी सिर्फ बोलने के लिए हम बोल देते, तो बेसिकली आपको मिथ के बारे में बात करनी है, किस तरह से मिथ है. तो मैंने क्या किया, तो जनरल है रिलीजियस सॉलिडारिटी जनरल कंपोनेंट, और मिथ है स्पेसिफिक कंपोनेंट. तो मैंने जनरल कंपोनेंट से शुरू किया है, और रिलीजियस सॉलिडारिटी होता क्या है वो मैंने बताया. मैनी पीपल बिलीव दैट रिलीजन इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ इन गॉड, बट इट इज़ नॉट ओनली अ बिलीफ, इट ऑल्सो प्रीचेज ह्यूमन बींग टू बी ड्यूटीफुल टूअर्ड्स ऑल माइटी एंड ह्यूमैनिटी. तो रिलीजन जो है हमें सिखाता है कि हमें ड्यूटीफुल रहना चाहिए टूअर्ड्स ह्यूमैनिटी एंड टूअर्ड्स ऑल माइटी. दिस कॉमन ड्यूटी, यानी सभी का रिलीजन होता है तो सबका एक कॉमन ड्यूटी है. अब वो कॉमन ड्यूटी क्या है कि हमें सभी को वी नीड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्सिबल टूअर्ड्स अदर सिटीजन्स, ये कॉमन ड्यूटी है. तो कॉमन ड्यूटी सभी का है, तो इससे क्या होता है, फीलिंग ऑफ सॉलिडारिटी, फीलिंग ऑफ यूनिकनेस, फीलिंग ऑफ यूनिटी, फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन. क्योंकि हर रिलीजन ने यही कहा कि ड्यूटी यही है, दिस रिलीजियस सॉलिडारिटी. तो आप समझ लो कैसे मैं सॉलिडारिटी पे आई हूँ. This religious solidarity emphasizes the necessity of respecting others' religion and work towards common humanitarian good. But this is rarely evident in the society. तो आप समझ रहे हैं religious solidarity कैसे आया है,
पहले तो मैंने बताया कि सभी ग्रंथ में, ये होली स्क्रिप्चर्स में बोला गया है कि हमें ऑलमाइटी की तरफ, गॉड की तरफ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। तो अगर सभी का ये ड्यूटी है गॉड की तरफ रिस्पॉन्सिबल होने का, ड्यूटी कॉमन है, तो इससे क्या होगा? कॉमन ब्रदरहुड, यूनिटी फैलेगा। तो मगर ये यूनिटी जो है वो देखने को नहीं मिल रही है। अब मैं मिथ के बारे में बात करूँगी। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है, रोहिंग्यास का एग्जाम्पल दिया, ज्यूस का एग्जाम्पल दिया, इस्लामोफोबिया, नाजिज़म, ये सब सारा एग्जाम्पल दे दिया है। अब उसके बाद मैंने, अगर आप देखेंगे, मैंने एशिया क्राइसिस बता दिया है। तो इसमें क्या बताना चाह रही हूँ, ऐसे ही घटना हुई है जिसे पता चलता है कि डिसहार्मनी है अमंग डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज। ये अब मैं इंडिया के बारे में बता रही हूँ नेक्स्ट पैराग्राफ में, कि इंडिया रिलीजियस सॉलिडारिटी लेकर इन्हांस कर सकता है, मगर बाबरी मस्जिद डिमोलिशन, मुजफ्फरनगर कम्युनल राइट्स, इससे लगता है कि इंडिया में भी रिलीजियस सॉलिडारिटी एक तरीके का मिथ है। उसके बाद मैंने सिल्वर लाइनिंग बताया कि एक खुशी की बात है, ठीक है, मानते रिलीजियस सॉलिडारिटी मिथ है, आजकल नहीं दिखने को मिलता है यूनिटी, मगर एक खुशी की बात ये है, चाहे कोई भी रिलीजन हो, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। कोविड पेंडेमिक में कई ऐसे केसेस हमें मिले हैं, सुनने को मिले हैं ऐसे किस्से। फिर फूड डिस्ट्रीब्यूशन बाय सिख खालसा ऑर्गेनाइजेशन, पीस मूवमेंट बाय डिफरेंट रिलीजियस लीडर्स। ओके, तो इससे पता चलता है कि हाँ, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटी एक साथ आकर कॉमन कॉज के लिए काम कर सकते हैं। फिर मैंने कंक्लूड किया, इट इज़ हाई टाइम दैट वी रियलाइज द रिलीजियस फैनेटिज्म लीड्स टू डाउनवर्ड जर्नी एंड मेक अस आर्केक। इट बिकम्स इम्पेरेटिव टू प्रमोट प्रिंसिपल ऑफ हार्मनी इन हेट्रोजेनिटी। मतलब हेट्रोजेनिटी मतलब वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, मगर उसमें भी हार्मनी होनी चाहिए। एंड द थ्योरी ऑफ सिंक्रेटिज्म इन द टाइम्स ऑफ रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। अब रिलीजियस सॉलिडैरिटी माइट बी अ मिथ टुडे, बट आवर विल ऑफ एक्सेप्टिंग एंड अप्रिशिएटिंग वन अनदर बिलीफ सिस्टम कैन ट्रांसफॉर्म इट इनटू रियलिटी। रिलीजियस सॉलिडैरिटी माइट बी अ मिथ। तो मैं, आप देखिए, पूरा का पूरा ऐसे क्वेश्चन में लेकर आ गई हूँ, पूरा कनेक्टेड है। कंक्लूजन में जो भी कंटेंट दिया है वो पूरा का पूरा कनेक्टेड है ऐसे क्वेश्चन से। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब आप कंटेंट लिखते हैं ऐसे क्वेश्चन का, तो आप ध्यान रखोगे कि सिलेक्शन ऑफ द कंटेंट वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेक्शन के बाद जो आप कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हो अक्रॉस द पैराग्राफ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैसी नहीं बनाओगे आप, सोच लो कि एक पीस ऑफ कंटेंट है तो एक पैराग्राफ, सेकंड पीस ऑफ कंटेंट दूसरा पैराग्राफ, फिर आप पैराग्राफ को एक दूसरे से जोड़ो कंजंक्शन और सब से। ओके, और फिर ये सिलेक्शन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, और प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपना जो भी कंटेंट लिखोगे वो कंटेंट को रीडायरेक्ट करोगे टूवर्ड्स एस ए क्वेश्चन, वरना तो ऐसे लगेगा कि भाई कुछ और लिख पूछा जा रहा है, कुछ और लिख रहा है। ओके, थैंक यू।